गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज फाउंड इन राजस्थान एंड अबाउट द कम्युनिटी हाउस एंड वी कैन से अबाउट द रेन बसेरा एंड वी ऑल्सो हैव स्टडीड दैट गवर्नमेंट बिल्डिंग आर बिल्ट बाय राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इन राजस्थान. सो लेट्स कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और वी कैन से हाउसेज इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया. सो दैट इंडिया इज अ कंट्री हैविंग जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी लाइक देर आर ह्यूज माउंटेन एट सम प्लेसेस एंड लार्ज ओपन ग्राउंड एट अदर प्लेसेस. इंडिया की जो जियोग्राफिकल जो है डाइवर्सिटी वो बिल्कुल डिफरेंट है. सो सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल वाइल सम प्लेसेज देर इज अ डेजर्ट. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है एंड सम एरियाज देर इज डेजर्ट, वहाँ पे रेन जो है वो बहुत कम होती है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट रीजन अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन. सो लेट अस सी सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ हाउसेस. फर्स्ट इज कोस्टल हाउसेस. सो देन इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड. अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स. सो देयरफॉर मैनी विलेजेस एंड सिटीज इन आर कंट्री आर सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया. देर आर वेरी हाई टाइड्स इन अ सी वाटर. सी वाटर की जो वेव्स है वो बहुत हाई होती हैं. विंड स्टॉर्म आर ऑल्सो देयर. वहाँ पर बहुत बार जो है स्टॉर्म आते रहते हैं. सो समटाइम्स दीज एरिया कैन बिकम फ्लडेड इफ देर आर हैवी रेन्स. कोस्टल रीजन के जो एरिया होते हैं वो कितनी बार फ्लडेड हो जाते हैं इफ देर आर हैवी रेन्स. सो वी कैन सी द हाउसेज विच आर फाउंड इन द कोस्टल रीजन दे आर मेड अप ऑफ वुड बिकॉज इन द एरिया ऑफ कोस्टल प्लेन देर आर मोर ट्रीज इन द फॉरेस्ट. सो मोर वुड इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड स्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल. नेक्स्ट इज हाउसेज फाउंड इन अ हिली एरियाज. स्टूडेंट द स्टेट ऑफ आर कंट्री लाइक हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर दे आर स्टेट विथ हिली रीजन. कुछ स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर वो कौन से रीजन में आते हैं? इन अ हिली रीजन. एंड देर इज मोर स्नोफॉल इन दिस रीजन एंड द रूफ ऑफ द हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्लोपिंग. हिली रीजन में जो हाउस बनते हैं उनकी जो रूफ होती है वो कैसी बनाते हैं? लाइक अ स्लोप. सो व्हाई डज द रूफ ऑफ अ हाउस कंस्ट्रक्टेड इन अ हिली एरिया एज अ स्लोप. हिली एरिया में जितने भी हाउस बनते हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्लोप पे क्यों बनाते हैं? बिकॉज इन द हिली एरियाज देर इज मोर स्नोफॉल एंड समटाइम दीज एरिया कैन एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल. सो फॉर प्रोटेक्टिंग द रूफ ऑफ द हाउसेज फ्रॉम स्टोरिंग स्नो और वाटर द रूफ ऑफ द हाउसेज इन अ हिली एरिया हैव स्लोप. हिली एरिया में जितने भी हाउस होते हैं वो स्लोपी किस लिए बनाते हैं? बिकॉज जो आइस होती है और जो हैवी रेनफॉल होती है वो वहाँ पे ना रह के नीचे की तरफ गिर जाए. दैट्स वाई द हाउसेज दैट आर बिल्ड इन द हिली एरिया हैव स्लोपिंग रूफ. आर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउस ऑफ स्नो एंड वी कैन से इग्लू. सो दैट यू हैव सीन दैट द मटीरियल्स लाइक रॉक्स सैंड वुड आयरन दैट एक्सेट्रा आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. हाउएवर देर आर सम प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर देयर मटीरियल्स आर नॉट अवेलेबल एट ऑल एंड देर इज स्नो एवरीवेयर इन दीज प्लेसेज. उन जगह पर सब तरफ क्या होती है? स्नो होती है और जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटीरियल चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है. सो वी कैन से द पीपल लिविंग नियर पोलर रीजन. जो पीपल जो होते हैं वो पोलर रीजन के आसपास रहते हैं दे मेक सच टाइप ऑफ हाउसेज दे एंड दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्नो. सो वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन दीज प्लेसेज एंड दोज हु लिव देयर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्नो. सो वी कैन से द पीपल लिविंग नियर द पोलर रीजन मेक देयर हाउस दैट आर मेड अप ऑफ स्नो एंड दीज हाउसेज डू नॉट मेल्ट ड्यू टू द लो टेम्परेचर. जो पोलर रीजन में जो लोग रहते हैं वो अपना हाउस स्नो से बनाते हैं एंड दैट इज नोन एज इग्लू.
बट उनका जो हाउस होता है वो मेल्ट नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, बहुत लो. सो वी कैन से द हाउस विच आर मेड अप ऑफ आइस और फ्रॉम स्नो दैट इज नोन एज इग्लू. So student, what we have learnt in this chapter, we learnt that different types of materials are required for the construction of houses. The houses are of different types, that is depending upon the weather condition, upon the requirement and upon the capability. And the common shelter, rain basera, are the temporary accommodation for the people who don't have their own houses. Clear student? So, our chapter is complete. I hope you understood this chapter. So, read this chapter.